यार जे एक बीड़ी पिया। बीड़ी तो है नहीं माचिस है। माचिस का क्या करो तू, मेरी यही समझ में नहीं आता तेरी। चल बीड़ी मांग लेना किसी को। क्या हाल है ठाकुर साहब, ट्रैफिक पुलिस में भर्ती मार दी का? क्या हाल है ठाकुर साहब, बड़ा घमंडी बहुत है। अच्छा चलो ठाकुर साहब हम चल ले। रुको, तुम्हें जेल में से मैंने निकलवाया है और तुम्हें मेरा एक काम करना है। अपने पैसे ले लिए, जय रुपए तेरे जमानत पर लगे, काम को हम करते का काम कर दो। चल भाई, पैसे तुम्हारी मर्जी के, काम मेरी मर्जी का, कोई भी काम फ्री नहीं कराऊंगा। जय पैसे मिल ले तो क्या मामला बना, कर ले से डन कर ले। ठीक है ठाकुर साहब, काम बताओ। आज शाम को हवेली पे आ जाना। ठाकुर साहब देख को हवेली बता जाएंगे, लेकिन एक बात हो बुरा ना मानियो, थारे घर में लोंडी ला रही तो नहीं आए? क्यों? अजी अगर आए तो फिर हम ऐसा ही मेकअप मुकअप सा कर खाऊंगे ना। नहीं पल्ला कर खाऊंगे फिर हम पल्ला। चल भाई आ जाएंगे सांझ को हम। आ जाएंगे सांझ को। अरे ये तो घुरो ही बहुत। ऐसा गांव है यार, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं। अरे रिक्शा रिक्शा रिक्शा। ए साहिब ये रिक्शा नहीं, बसंती के धन्नो है। धन्नो? हाँ धन्नो, पूरे रामगढ़ में मशहूर है मेरी धन्नो। वैसे तुम्हें कहाँ जाना है? हमें तो आपके दिल में जाना है मैडम। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मैडम जी रामगढ़ जाना, रामगढ़ चलो। तो मैं कौन सा मना कर रही हूँ, बैठो ना जल्दी बैठो, मैं भी तो रामगढ़ की हूँ, वही छोड़ दूंगी तुम्हें। बसंती मैं आगे बैठ जाऊं, मुझे पीछे चक्कर आओ। हाँ बाबूजी बैठे ना। वैसे बसंती तुम्हारा नाम क्या है? अरे साहिब मैंने बताया ना मेरा नाम बसंती है। वैसे आप बात बहुत प्यारी करती हो। थैंक यू थैंक यू। लीजिए साहिब ये रही ठाकुर साहब की हवेली। ठाकुर साहब की हवेली इतनी जल्दी आ गई पता भी नहीं चला। वैसे कितने पैसे हो गए आपके? अरे साहिब आपसे पैसे लेने का मन तो नहीं करता, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, इसलिए आप मुझे 100 रुपये दे दीजिए। थैंक यू। वैसे रामगढ़ में पहली लड़की खूबसूरत है। अरे यार चल काम कर लो। गब्बर वो तो बहुत खतरनाक आदमी है। खतरनाक है इसीलिए तुम्हें बुलाया गया है। तो इसमें हमारा क्या फायदा, हम क्यों गब्बर को पकड़े? तुम मालामाल होगे और मुझे गब्बर मिलेगा। ओहो हमें तो साफ साफ यूं बता, हमें पैसे कितने मिलेंगे? 50,000 रुपये। 50,000 का गब्बर पे नाम, वो पकड़ के हम तो हमें जैसे बहादुरी में थारा नाम आओगा और पैसे 50,000 मिलने, हम बेवकूफ समझ रहे हैं। इनाम की रकम भी तुम्हारी, लेकिन गब्बर तुम्हें मुझे जिंदा देना होगा। ठीक है ठाकुर साहब, तुम्हें गब्बर जो है जिंदा मिलेगा। अरे ज्यादा होशियार ना बनो उस्ताद, पहले पैसे ले लो, अगर इतना बाद में रोंडी पी ली। रामलाल सुनो, ये 50% पैसा है, 50% काम होने के बाद मिलेगा। ठीक है जाओ रामलाल, इन्हें इनके कमरे में छोड़ के आओ। चलो भाई। सुरेना पे हमें चली करवा दिए। यो ठाकुर साहब, पूरा मोहल्ला खुश कर रखा है ना। अच्छा ठाकुर साहब। रामलाल जी बस तू ये फंसा लिया तो बिल्कुल ही ढिल्ला, जैसा सही समझो ठाकुर साहब। हाँ कोशिश कर इसे तो ये फंसा कर बिठा दूंगा मैं इसको। ठीक है ठाकुर साहब। अरे रामगढ़ के वासियों अपने अपने घर से बाहर निकलो, और जो भी तुम्हारे घर में लाज पानी है सब ला के यहाँ रखो। गाड़ी में रखो,
32 रुपए कट्टे उठायो, थोड़ा हाथ लगवा दिया करो कालिया भाई। तो क्या है इसमें? मैं तो खल लाया जी। खल का क्या करेंगे? अजी वो गब्बर भाई खा लेंगे। खल खाएंगे हम, उठा इसको। क्यों ले गया कालिया? मैं तुझे अपने गांव से नाच की एक बोरी क्या एक दाना नहीं ले जाने दूंगा। कौन रोकेगा ठाकुर साहब हमें? ये तुम्हारे गांव वाले, ये डरपोक गांव वाले। देखो रे कालिया, ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई है। कालिया, मौत तुम्हारे ऊपर मंडरा रही है, जरा नजर उठाकर तो देखो। ये चले गए ठाकुर साहब आपले, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। चलो तो अपना सामान लो, चलो अपना सामान उठा लो। ठाकुर साहब जिंदाबाद, ठाकुर साहब जिंदाबाद, राम राय की धोती चलेगी ये। कितने आदमी थे? सरदार दो। दो सूरज के बच्चों, वो दो और तुम तीन फिर भी वापस आ गए, वो भी खाली हाथ। क्या समझे थे? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, छुए ठारे ऊपर चालू कुत्तो। अरे ओ सांबा, अरे ओ सांबा, सरदार सांबा टट्टी फिर गया वा ठारी की माँ। अरे ओ सांबा जी। सरदार, सरकार कितना इनाम रखी मेरे ऊपर? पूरे 50,000। 50,000? सुना, सरकार हम पे पूरे 50,000 का इनाम रखी है और तुम सरदार का नाम मिट्टी में मिला के आ गए 50-50 कोसों दूर। जब बच्चा रोता है माँ कहती है सो जा बेटे वरना गब्बर आ जाएगा, मरोगे, इसकी सजा मिलेगी बराबर मिलेगी। ए जुल भैया, कितनी गोली है इसमें? सरदार 6। 3 जिंदगी 3 मौत। बच गया रे, 13 क्या होगा रे हलन, ये भी बच गया। तेरा क्या होगा रे कालिया? सरदार मैंने आपका नमक खाया है। सरदार नमक खाया? ढोलियो पेट पाल रखा, 22 साल हो गए रोटी पुलाव तोड़ रखी हो, नमक नमक कह रहा, जरूर मरेगा तू। ये भी बच गया, तीनों बच गए। कमाल हो गया ये। अरे ये भी बच गया। जो गब्बर का नाम मिट्टी में मिलाएगा हम उसको मिट्टी में मिला देंगे। ए फेंको रे ने गोबर खाने में। दीनू, होली कब है? सरदार अभी होली में 10 महीने बाकी। 10 महीने का इंतजार कौन से होरा करेगा, बात दब जाएगी। एक काम कर, कल को गांव में जाने की तैयारी करो। ठीक है चलो। अरे ओ सांबा जी। सरदार मेरी चच्ची आ रही, लोटा तैयार कर। अरे वाह साहब जी, आपका निशाना तो बहुत अच्छा है। अरे बसंती, मेरे निशाने के चर्चे तो दिल्ली तक हैं। हाँ हाँ, इसके निशाने के चर्चे तो दिल्ली तक हैं। तो क्या तुम मुझे भी सिखा दोगे निशाना लगाना? हाँ हाँ सिखा देगा, तो मुझे एकदम सिखा देगा। हाँ हाँ बिल्कुल आओ सिखाओ। यह है बंदूक, पकड़ो हाथ में, और से बोलते घोड़ा। एक आंख बंद करो, इसे घोड़े को दबाओ, निशाना बांधो सामने और चला दो। क्या हुआ ठाकुर साहब? हमको लगता है मधुमक्खी ने काटा है। मधुमक्खी ने बुढ़क भर लिया। अरे तुझे कैसे पता? अरे ठाकुर साहब खून ही खून निकल रहा है। चलो हम घर लेके चलो। चलो मैं चट्टी यमला पकड़ना दीवाना।
साहब बंदूक उठा दो। बाबा हमारी गलती थी, इसका काम पकड़ा। इसको घुटनों के बल बिठा दो। अरे ओ सांभा, कालिया तो बोल रहा था ठाकुर ने दो फौजी बुलाए, ये तो एक है। अरे किधर है रे फौजी नंबर दो? अजी घास लेन गया। वो घास लेन गया वा? अजी ही लुकड़ा कहीं, मेरी माँ की कसम मैंने चाचा कालिया पे एक भी गोली नहीं चलाई। झूठ ना बोलो, कालिया बता रहा था जी ना जाता सारा वहीं रखवा। अजी मैंने नहीं छीना था, वो मेरा दोस्त ने छीना था, वो बहुत राम का। अरे अमन पर तू का मारा रिश्तेदार। चलो सोचा सोचा क्या करा? यहाँ मारो यहाँ। क्यों? यार जैकेट मैं रख लूंगा, बहुत बढ़िया लग रही है। ये तो बहुत डेनिम डेनिम बताओ, ये कटवा लो जैकेट। रुको, यो जैकेट मेरी जना तारियो। आ गए। अरे बिल से बाहर फौजी नंबर दो आ गया। वहां खड़ा हो, खड़ा हो रे, तू भी बाहर निकलो रे गांव वालों, और अपने घरों से झांक कर देखो, यही है वो दो चमचे जो ठाकुर लाया था गब्बर से बचाने के लिए, और आज ही अपनी मौत की भीख मांगेंगे गब्बर से, वो भी अपनी नाक रगड़ के मेरे जूते पे, समझ गए? और क्या बुरा करूं मैं, थारे पुत्र नाज आटा चावल ले लूं थोड़ा बहुत, तो क्या बुरा कर दूं, भिखारी को भी तो ढो ही था, सारी समझ में क्यों नहीं आता? अरे ठाकुर पहले तो तेरे हाथ काटते थे, कोई साले तेरी टांगा काटूंगा, ये देखो किसे लाओगा तू यहाँ से गब्बर की टक्कर पर। आवा फटाफट आ जल्दी नाक रगड़। जे जे जान दो, बजाना चला जे गिटार दे। तुम्हारा नाक अपने पैरों पर रगड़वा रहा था, अपना नाक मेरे पैरों पर रगड़। ओ यार भाई देख, ठाई साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है, मेरी लड़ाई ठाकुर की साथ है। अरे तू ताड़े मारे मेरा, मैं छोड़ इस बात को रफा टफा कर। भाग, मैं जल्दी ले चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठाकुर साहब हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। गांव वालों मैं तुम्हें बता दूं, सबसे बड़ा दुश्मन गांव का ही और रामगढ़ का दुश्मन ही हो, इसके सामने बंदूक पड़ी रही, पर इस आदमी ने बंदूक नहीं ठाकती। हम तेरा काम नहीं करने गए तो फिर मेरे पैसे लौटा दो। क्या कहा? पैसे रैपट इतना मारूंगा सही कर दूंगा तुझे, आधा काम कर दिया आधे पैसे है। हाँ। सुनना नहीं चाहोगे मैंने बंदूक क्यों नहीं उठाकर दी थी? ठाकुर साहब आप बुझ दिलो, हमने समझा तुम वही ठाकुर हो जो हमें 20 साल पहले मिले थे। चुप, बैंड के टॉप पे। ये बात आज से 5 साल पहले है, मैं होटल पे से बिरयानी लेकर अपने घर जा रहा था, रास्ते में गब्बर अपनी पूरी गैंग के साथ मिल गया, और गब्बर ने कहा ये बिरयानी मुझे दे दे ठाकुर। चूंकि मैं अकेला था मैंने शराफत के साथ उसे बिरयानी पकड़ा दी, लेकिन किस्मत खराब, बिरयानी में चिकन के पीस नहीं थे, तो गब्बर को गुस्सा आ गया और उसने मेरा हाथ काट कर उनकी बिरयानी बनाकर खा ली। भैया तो टुंडा इसकी गलती नहीं है। चलो ताज बसंती जा रही, कहाँ पकड़ो, चलो चलो। अरे ओ बसंती, तेरे को तो गब्बर ने याद किया रे, चलो रे चलो। भाई भाई बसंती को गब्बर उठा ले गया क्या? हाँ एक काम कर, तू वीरू को बता दे मैं जा रहा हूँ। गब्बर बांडो साले को पेट दे, वो इसका हीरो हम बनाओगे, बांडो इसी में मोटे पेट दे, वो बांडो बांडो जाडो दिक्कत ना करिए बटारा, मेरा मूड बहुत खराब है, सटक रही। सरदार सरदार आपको पता है
या जो बसंती है बहुत बड़े नाचती है, पिछले साल मेरे गुगाल के मेले में देखी सरदार, बड़ा टुमक टुमक के नाच रही थी सरदार। अच्छा जी, बढ़िया नाच मेले में नाचो, यहाँ भी तो मेला ही लग रहा है। अच्छा नाच बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। रुक जा, तू यूं नहीं मानना। क्या कह रहा नाच है ना? क्या कह रहा है? रुक जा, तू यूं नहीं मानना। चले यो तो यो। मैं तैयार हूँ, मैं नाचने के लिए तैयार हूँ, इन्हें मत मारो। नाच, चल चल बका। नाची मेरे बसंती, मेरी जान बचेगी। दो टवा ना का शाह बाबा आज मगा है लक्ष्य। मुझे माँ की याद आ गई। बढ़िया वाला गाना का कोई डीजे वाला। सबसे प्यारा कौन है? पापा। क्यों नहीं सुनना तू डीजे वाला गाना? ए शमजान नहीं गई जो डीजे पर मेरा गोटे गाना तू जय बच गया हूँ मैं। तेरा गो हाथ जोड़ू स्टार ले, चाहे तू ले ले, लेकिन गाना डीजे वाला का। डीजे वाले मेरे बाबू गाना बजा दे। अच्छा, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। जॉन सा बात भी कर रही है, मुझे बदवा जाना पसंद ना, मैं अकेला थोड़े रह रही है। डीजे वाला गाना बजा दे, जॉन सा बात भी कर रही है। जल्दी पोजीशन संभालो, हमला होगा। हेलो दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बता दे। और दोस्तों हम आपके लिए एक ऑफर ले गए हैं, जो भाई हमें देखते हैं परमानेंट, उनके लिए कुछ ऑफर है जो जंगू भाई बताओगे। कुछ लोगों की ख्वाहिश पूरी होने वाली हमसे मिलने की। और आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करनी, कमेंट। हम एक महीने में जो हमारी ये गब्बर वाली वीडियो है सोले, अगर ये एक महीने में 1 मिलियन क्रॉस करती है व्यूज और 30,000 लाइक कम्प्लीट होते हैं, तो हम 5 लोगों से मिलेंगे और अच्छे से डिनर विनर करेंगे और फिर फोटो वोटो लेंगे। बिल्कुल। उसके लिए आपको क्या करना है भाई बताओ? लाइक करनी है आप लोगों को वीडियो, ज्यादा ज्यादा शेयर करनी, और जिसकी सबसे अच्छी कमेंट होगी यही देखा जाएगा, कमेंट सबसे अच्छी किसकी और शेयर सबसे ज्यादा किसके, उन 5 लोगों को चुना जाएगा और हम अगली वीडियो में बता देंगे वो 5 अनाउंस कर देंगे 5 लोगों के नाम, जैसे जो अभी अगली वीडियो होगी ना। शेयर करना, 1 महीने में 1 मिलियन व्यूज और 30,000 लाइक करवाना। और याद रखे, अच्छी अच्छी कमेंट, उन्हीं लोगों में से 5 बंदे नॉमिनेट होंगे और अच्छे से एंजॉय करेंगे सभी उनके साथ, हमारी पूरी टीम। ठीक है, ठीक है, कमेंट करने पर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो। लव यू, बहुत शुक्रिया।